Dear students, welcome to your maths class. In maths class, we are going to do exercise 11D from chapter 11. Chapter 11 से हम exercise 11D करेंगे आज. ये आपके fill in the blanks हैं. Means आपको ये calendar के according करना है. ये calendar चल रहा था ना आपका, ये calendar वाला part. तो उसमें से आपको ये बताना है. देखो fill in the blanks हैं. इसमें आपको today, yesterday और tomorrow के बारे में बताया गया कि आज क्या है, बीते हुए कल में कौन सा दिन होता है और आने वाले कल में कौन सा दिन है. तो ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि डेज ऑफ वीक बताया मैं. उसी के अकॉर्डिंग अब आपसे ये क्वेश्चन पुट किए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं. हम रीड करते जाएंगे और ब्लैंक फिल करते जाएंगे. फर्स्ट है, इफ़ टुडे इज़ संडे. देखो आपको वीक के नेम तो आते ही हैं, डेज ऑफ वीक आते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ये हमारे डेज हैं वीक के. तो उसी से आपको, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं. इफ़ टुडे इज संडे, कहते हैं अगर आज, टुडे मीन्स आज, संडे है यानी रविवार है. यस्टरडे वॉज डैश, यस्टरडे कौन सा होता है, बीता हुआ दिन होता है. यस्टरडे बीता हुआ दिन होता है जो बीत गया. तो कल क्या था, यदि आज संडे है तो कल क्या था. देखो आज अगर संडे, अब हम आज, आज तो मंडे है, लेकिन यहाँ पे हमारे से क्या पूछा जा रहा है कि यदि आज, मान लो कि आज संडे है, तो संडे किससे, किसके बाद आता है, यानी पहले क्या आता है, सैटरडे आता है. तो हमने संडे से पहले वाला दिन लिखना है ना, यस्टरडे यानी उसके पहले वाला दिन लिखना. आज संडे है तो कल क्या था, सैटरडे था. तो आपने इस ब्लैंक में लिख देना है सैटरडे यानी शनिवार. सैटरडे की स्पेलिंग भी लर्न करनी है और यहाँ लिख देनी है. जैसे आपसे पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग, यस्टरडे का पूछा है यानी बीते हुए कल का, टुमोरो का पूछे तो आने वाले कल का, और आज का पूछे तो टुडे लिखा होगा. तो यहाँ पे है, इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, यदि आज बुधवार है, टुमोरो विल बी डैश. अब टुमोरो कौन सा दिन होता है, आने वाला, अभी आया नहीं, आएगा, विल बी मीन्स आएगा अभी. टुमोरो विल बी डैश, कल होगा, क्या होगा कल, अगर आज वेडनेसडे है तो कल क्या होगा, थर्सडे. तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे ना, वीक, डेज ऑफ वीक लर्न करने पड़ेंगे. सभी को आती ही है डेज ऑफ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसके बाद कौन सा डे आता है ये भी आपको आता है. तो आपने वही काउंट करते जाना और लिखते जाना. इसके बाद है, इफ़ यस्टरडे वॉज वेडनेसडे. पर आपने इस चीज़ का ध्यान देना कि यस्टरडे दिया हुआ है या टुमोरो दिया हुआ है या टुडे दिया हुआ है. तो यहाँ पे आप आ गए यस्टरडे, तीनों की मैंने आपको हिंदी बता दी. यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, जो बीत गया है. टुमोरो यानी आने वाला कल, यानी जो अभी आएगा. और टुडे आज का. तो अब इसमें क्या पूछा है उसने, इफ़ यस्टरडे वॉज वेडनसडे, यदि कल बुधवार था, टुडे इज डैश, मतलब कल अगर बुधवार था तो आज क्या होगा. कौन से वाले कल का पूछा, आने वाले का या बीते हुए का. यहाँ से पता चलेगा यस्टरडे है, यानी जो कल बीत गया है हमारा वो था वेडनेसडे. तो आज होगा थर्सडे, क्योंकि वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे आता है. तो हम यहाँ लिख देंगे थर्सडे. ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ टुमोरो इज़ फ्राइडे, यदि कल शुक्रवार है. कौन से वाला टुमोरो पूछ रहे हैं आप, ये टुमोरो का मतलब जो भी आएगा. यदि कल शुक्रवार है, टुडे इज़ डैश, तो आज क्या है. आने वाले कल में अगर फ्राइडे है तो आज क्या होएगा, थर्सडे. थर्सडे के बाद ही तो आएगा ना फ्राइडे. और आने वाले कल में बताना ना हमने कि आने वाले कल में तो फ्राइडे है, तो हमारा आज क्या होगा, थर्सडे. इफ़ यस्टरडे वॉज फ्राइडे, अब ये बीते हुए कल का आ गया, यस्टरडे आ गया, यानी कल फ्राइडे था, तो टुडे इज़, आज क्या है, फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे. तुमने यहाँ लिख देना है सैटरडे. अगर कल फ्राइडे था तो आज सैटरडे है. ठीक है ना, इफ़ टुमोरो इज़ वेडनसडे, अब ये कौन सा कल है, जो अभी आएगा. अगर कल वेडनसडे है तो फिर आज क्या होगा, अभी कल, आने वाले कल में वेडनसडे आना है, तो फिर आज क्या होगा, वेडनसडे से पहले क्या होएगा, फिर थर्सडे, सॉरी ट्यूसडे. तो हमने यहाँ लिख देना है ट्यूसडे. ट्यूसडे आता है ना वेडनसडे से पहले, तो यहाँ ट्यूसडे लिख देंगे. ठीक है, अब आपने टुडे, यस्टरडे और टुमोरो को याद रखना है कि टुडे यानी कि आज के दिन का,
टुमोरो यानी कि आने वाला कल और येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। तो इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग आपने पढ़ते जाना है कि कल अगर ये था तो आज क्या है, कल आज अगर ये है तो कल क्या आएगा। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि येस्टरडे यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है और आज का पूछा है, टुडे का पूछा है तो आज का बताना है, बीते हुए कल के बाद आज का बताना है, या फिर आज के बाद के आने वाले कल का बताना है तो टुमोरो लिखा होगा। तो इसको आपने ध्यान से रीड करना है और फिर डेज लिखने हैं, कौन कौन सा डे किसके बाद आता है या किससे पहले आता है। ठीक है, यही आपकी एक्सरसाइज 11D है।